अस्सलाम वालेकुम। भारत ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम देखिए मटन का सालन बनाने जा रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। और हम धो के रख लिए 3 पाव मटन है बकरे का, और ये देखिए 3 प्याज कटा है, ये टमाटर है, और टेस्ट के लिए आधा आलू डालेंगे, और ये मसाला अखा मसाला है, पिसना है मसाला। तो अब इसके बाद इसको हम चलते हैं पीस के फैलाते हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ आ गए और तेल भी डाल लिए हमने। तेल डाल के हम अब देख लेते हैं, हमारा तेल लाल हो गया क्योंकि हम डाल लिए थे तेल। तेल हमारा बिल्कुल लाल है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा। चलिए गाइज, मेरा प्याज मेरे देखो फ्राई हो गए लाल। अब हम इसके अंदर मटन डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा हम भून लें, थोड़ा 5-7 मिनट। अब हम इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं। नमक डाल रहे हैं, पूरा नमक हमको लगेगा, हम उतना डाल रहे हैं साथ में। थोड़ा 5 मिनट और हम भूनेंगे इसको। राइस नमक डाल देने से, हल्दी नमक डाल देने से बहुत अच्छा लुक भी आता है और नमक भी अच्छी तरह मटन में चले जाता है। थोड़ा भून के बाद में हम मसाला डालेंगे। अब चलिए गाइस, अब हम टमाटर डाल देते हैं। अब हम ये मसाला जो पिसा हुआ था, हम इसको ये डाल देते हैं इसमें। अब हम ये मसाला, कुछ सूखा मसाला डाल रहे हैं। ये धनिया है, 2 चम्मच हल्दी है, कश्मीरी मिर्ची, थोड़ी तीखी मिर्ची, देखिए अब हम सब डाल दिए इसके अंदर। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। बस नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा। गाय जब हम जब तक कुकर को सीटी देंगे, भाप पे रखेंगे उसको, ज़्यादा सीटी नहीं देंगे, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लें। नहीं भाई बहन हो तो इसको सीटी देना। थोड़ा ही रखते ढक्कन, थोड़ा हम 5-7 मिनट इसको पका लेंगे बाद में, और फिर हम और दो पैसा।
देखिए अब हमने सीटी लगाए 3 सीटी, फिर थोड़ा हमने खोल के देखा अभी तो थोड़ा टाइट है गोश्त, तो इसके लिए अब हम आलू डालेंगे क्योंकि साथ में डालेंगे तो गल के ख़त्म हो जाएगा आलू, तो स्वाद के लिए डाल रहे हैं हम, टेस्ट अच्छा होता है आलू से। चले हम खोल के देख लेते हैं। सालन हमारा बेच लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया, सालन हमारा बहुत बढ़िया और खुशबू से घर भर गया। गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जब तक हमारा सालन बना आप लोग भी सब्सक्राइब कर ही नहीं होंगे, देखिए कितना बढ़िया मटन हमारा बन के तैयार हो गया। आप सब इसे पराठे से चावल से जैसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी हुआ है। अब हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।